वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों आज हम समझेंगे कि भाई आईएम इंजेक्शन और आईवी में अंतर क्या होता है। अंतर ये नहीं कि वो लगाने का रूट्स कि भाई उसको आप नस में डालोगे, उसको आप कमर में लगाओगे, वो नहीं, मसल में लगाना वो नहीं। अंतर ये कि भाई इसके दवा में क्या अंतर होता है कि आप आईएम को आप आईएम आईवी नहीं लगा सकते, ऐसा क्या हो जाएगा। आईएम इंजेक्शन की दवा किस चीज से बनी होती है, इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है कि भाई इसको आईएम ही लगा रहे हैं या इसको आईवी ही लगा रहे हैं, इसको समझते थोड़ा डिटेल में बहुत आसानी से तो आपको समझ में आएगा। तो देखते रहिए दोस्तों, हम यहाँ पे देखते हैं कोई इंजेक्शन आईवी आता है या कोई सा ओनली आईवी आता है या कोई सा ओनली आईवी आता है, और तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको आप कहीं भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा क्या होता है उस दवा के अंदर, ऐसा क्या होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी फॉर्मुलेशन में। दोस्तों यहाँ पे दोनों इंजेक्शन आईएम या आईवी दोनों का लगाने का जो टेक्निक है डिपेंड करता है दो फैक्टर्स के ऊपर कि भाई पहला फैक्टर तो आपकी सीवियरिटी है और दूसरा क्या है ड्रग प्रॉपर्टी। तो सीवियरिटी को समझो पहले। देखो भाई कोई बीमारी है थोड़ा कम है, सीवियरिटी नहीं है, ज़्यादा समस्या नहीं है, तो आप उसको आईएम लगाओगे, ठीक है। आईएम मतलब कि मसल्स के अंदर लगाओगे, वो थोड़ा धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा बॉडी में और थोड़ा लंबे समय तक काम करेगा, ठीक है। और वो क्योंकि उतने टिश्यू के अंदर भरा रहता है ड्रग, तो धीरे धीरे काम करता है 24 घंटे तक। अभी बात आती है आईएम की, भाई सीवियरिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, ब्रेडीकार्डिया हो गया, टैकीकार्डिया हो गया, कोई भी पकड़ के चल लो बीमारी, इम्पल्स कन्वल्जन्स आ रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आप आईएम लगाओ क्योंकि आपको रिजल्ट तुरंत चाहिए, तुरंत ही रिजल्ट चाहिए। तो ज़्यादा सीवियर पेन, सीवियरिटी जिस चीज़ की ज़्यादा होती है वहाँ पे आप आईवी लगाते हो, ठीक है। तो ये ड्रग तुरंत जाके ब्लड में मिक्स होकर तुरंत अपना काम करती है और फास्ट काम करती है और कम थोड़ी देर के लिए काम करती है, तो इसलिए इसे बोल सकते हैं हम कि सीवियरिटी के आधार पर लगाने का तरीका। तो ठीक है, अब बात करते हैं प्रिपरेशन के ऊपर के आधार पर कि भाई ये दोनों अलग अलग क्यों हैं। देखो भाई अभी तक तो हमने ये समझ लिया कि भाई अगर किसी को ज़्यादा तकलीफ है तो आप उसको आईवी लगा दो और अगर कम तकलीफ है तो आप उसको आईएम लगा सकते हो लंबे समय के लिए एक्शन देना हो तो। अभी क्या है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लिपिड सोल्यूबल होते हैं। सपोज आप उदाहरण के लिए मानो अल्फा बीटा आर थीटर का इंजेक्शन या कोई भी मल्टी विटामिन, उसको आप फोड़ के हाथ में लो, थोड़ा सा ऐसा लगेगा ऑयली है, तेल तेल ऐसा लगेगा, थोड़ा गाढ़ापन रहेगा। अगर कोई ड्रग ऐसा है जो कि इस तरह की प्रॉपर्टी रखता है तो उसको आईएम ही लगाया जाता है, इसलिए उस पर लिखा रहता है ओनली फॉर इंट्रामस्कुलर। आईवी नहीं लगा सकते क्योंकि ब्लड के अंदर तो पानी होता है, ब्लड में ऑयल नहीं होता ना, ब्लड के अंदर एडिपोज टिश्यू नहीं होता। तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्लड के अंदर ही लगाई जाती हैं, वो वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है उनके अंदर, ठीक है, तो इसलिए इनको नस में लगाते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि भाई कि ये दो कारण, सीवियरिटी और प्रॉपर्टी। अगर ड्रग ऑयली फॉर्म में है तो आप उसको कमर में लगाओगे, अगर ड्रग जो है वाटर फॉर्म में है तो आप उसको नस में लगा सकते हो, मतलब कि एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। अब यहाँ पर कई लोग कहेंगे भाई मल्टी विटामिन के इंजेक्शन भी तो नस में लगता है, मल्टी विटामिन के इंजेक्शन लगता है लेकिन वो डाइल्यूट होकर लगता है, एनएस के अंदर बोतल में सुई लगाई जाती है, ठीक है, और नारक मत लगा देना, ठीक है, तो वो डाइल्यूट होकर लगता है नस के अंदर। सो यहाँ पे कभी भी ये चीज़ हमेशा याद रखो कि जो भी वैक्सीन्स आते हैं वो आपको मसल्स में लगाना है, नस में नहीं लगाना। वैक्सीन्स और जो भी इंसुलिन के सारे इंजेक्शन सब पे लिखा रहता है, आप कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। लेकिन बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी किसी पर लिखा रहता है आईएम और आईवी दोनों, तो उसमें आपको ये देखना है कि सीवियरिटी के ऊपर भाई इसको आप अगर आप आईएम भी लगाओगे तो भी सूटेबल है, आईवी लगाओगे तो भी सूटेबल है, बट वो डिपेंड करता है सीवियरिटी के ऊपर कि भाई आपको ज़्यादा पेट दुख रहा है तो आईएम लगा, आईवी लगा दो, कम दुख रहा है तो आप उसको आईएम लगा सकते हो। तो ये इसका अंतर होता है सिर्फ और सिर्फ कि भाई सीवियरिटी के ऊपर और प्रॉपर्टी के ऊपर, और कुछ क्वांटिटी के ऊपर भी। भाई कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, सपोज सेप्ट्रियाक्सोन मान लो 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम तक का इंजेक्शन आता है, अब उसको आप एडिपोज टिश्यू में लगाओगे, मसल्स में लगाओगे, इतनी जगह है कहाँ, वैसे ही तो बहुत पतला सा सुई इस्तेमाल करते हैं वटक्स में लगाने के लिए, इतनी जगह ही नहीं है, उतना सा टिश्यू है उसमें, कहाँ वो रहेगा ड्रग, आदमी को दोबारा बच जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी एंटीबायोटिक इंजेक्शंस होते हैं जिनको मिक्स करते हैं स्टराइल वाटर में मिक्स करके लगाते हैं वो नस में ही लगते हैं सीधे, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लेना, इसमें कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, बस इतना समझ लो कि भाई एक्वस फॉर्म में होगा
तो वो नस में लगेगा, ऑयली फॉर्म में होगा तो वो आपको मसल्स में लगाना पड़ेगा। इसके अलावा वैक्सीन्स, जो भी शुगर के एंटी डायबिटिक जो भी हार्मोन्स होते हैं या जो भी इंसुलिन वगैरह जो भी, ये सब के सब जो है नस में नहीं लगते कभी भी। ठीक, तो क्या होता है कि जो ज़्यादा मात्रा होती है उसको आप नस में ही लगा सकते हैं, और जो कम है थोड़ा बहुत है 1 पॉइंट या कुछ 0.5 ml, तो वो मांस में लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब मसल्स में लग जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। सो ये होते हैं दोस्तों IV और IM में अंतर, कि भाई आप चाहो तो इसके आधार पर भी चेक कर सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना है दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक करें, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।